टू योर ओन क्लास। तो हम आज के दिन देख रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, क्या है हेडिंग? फाइंडिंग अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन। आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन रहेगी और उससे आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर रैशनल नंबर फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसका एक्सपेंशन आपको गिवन है। हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। तो समझिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यूज ज्योमेट्रिकल सीरीज, मतलब इस वाली मेथड से करना है जो आपको सिखाई जा रही है, टू एक्सप्रेस 0.55555 सो ऑन इनफिनिट टाइम्स। और फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5 पर बार। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मीनिंग भी यही होता है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या देखा कि ये आपको इसका फाइंड करना है कि ये जो नंबर है ये कैसे आया। I mean, आप समझ गए होंगे कि किसको डिवाइड करने पर ये नंबर मिला है, वो आपको रैशनल नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से क्लियर करेंगे इसकी मेथड को कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको जो गिवन है उसको लिखिए। ये दो तरीके से आ सकता है, या तो ऐसा लिखा होगा, ठीक है, सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5 पर बार। ये बार का मतलब ये है रिपीटेशन हो रहा है ये लास्ट वाला नंबर, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 5555 सो मेनी टाइम्स है। अब इसको देखिए, हम अगर ऐसा लिखा आता है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और ऐसा लिखा हो आया हुआ है तो इसको तो हम सॉल्व करने ही चालू कर देंगे 0.5555555 सो ऑन, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये समझना आप। इसको लिखेंगे हम 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे आप तो पता है क्या आएगा, 0.55 आएगा। जब इन तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो 0.555 आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे समझ में नहीं भाई, आगे हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/10, यहाँ भी पॉइंट हटाइए कितना आएगा 5/100 आ जाएगा, ओके। यहाँ भी पॉइंट हटाया हमने तो 5/1000 आ गया, और सो ऑन। हम इसको लिख देते हैं कि ऐसा ही रहेगा आगे। 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1/10, 1/100, 1/1000। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही बन गया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके जैसा बन गया। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है ना? अब आपको समझ आ गया होगा कि अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, बताइए। तो फिर क्या करने वाले हैं, 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कल की क्वेश्चंस जैसा हो जाएगा। ये इसको रफ कर रहे हैं ऊपर सॉल्व करने के लिए, इधर रफ कर दिया हमने, ये हेडिंग भी रफ कर देते हैं। और अब ये बिल्कुल पिछले टाइप के जैसा क्वेश्चन बन गया है, जो कि हमने पिछला टाइप तो किया हुआ है अच्छे से, उस टाइप का क्वेश्चन बन गया है। आप लोगों ने सॉल्यूशन भी भेजे थे तो बहुत बढ़िया, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10, ठीक है ना, 9/10 हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड ना भी करें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये चीज आप यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ओके। 5 है यहाँ पर, ठीक है, ये है कितना 1/10, सेकेंड वाला कितना है 1/10 का स्क्वायर, थर्ड वाला कितना है 1/10 का क्यूब। कहां तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, कुछ भी लिखा नहीं ना यहाँ पर, एंड टर्म्स है क्या है, तो हम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पर। तो ये बन गई है जीपी, इसमें ए है 1/10 और आर कितना है, आर भी तो 1/10 है, कॉमन रेशियो। अब एस इनफाइनाइट कितना होता है, ए अपॉन 1 - r, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ए है कितना 1/10 और आर कितना है यहाँ पर, आर इज ऑल्सो 1/10, तो ये कितना आएगा 5, यहाँ 1/10, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 - 1/10, 10 से 10 कैंसिल। अब क्या
बचेगा, क्या बचेगा इसमें, 5 upon 9, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना था। अब हमने अगेन सिमिलर टाइप पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और इसमें क्या बोला गया आपको, इसमें हमें फाइंड करना है 0.356 पर बार, इसमें आपको फाइंड करना है कि इसमें रैशनल नंबर क्या रहा होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0.565656 5656 5656 so on, ठीक है, अप टू कहां तक है, इनफाइनाइट टर्म्स है। अब हमने इस बार 5 6 को ही क्यों रिपीट किया है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि 3 पर यहां पर क्या बार नहीं लगा हुआ है, बार किस पर लगा था, 5 6 पर, तो ऑब्वियसली हम 5 6 को ही रिपीट करेंगे, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन आपको दिख गया कि नहीं, दिख गया तो नोट कर लीजिए इसको, है ना, होमवर्क है ये आपके लिए, आपको सॉल्व करके सेंड करना है और फिर हम चेक करते हैं कि भाई आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था 0.5 पर बार, करा था कि नहीं इसके पहले, करा था, बिल्कुल सिमिलर है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप पूरी मेथड बताइए, करिएगा इस क्वेश्चन सॉल्व, होमवर्क लिख लें। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट हो गया है कि 3 पे बार नहीं है, 2 डिजिट नंबर पे बार है, तो देन इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए 0.3 इसको तो हम पहले लिखेंगे प्लस 0.056, ये पूरा नंबर है 2 डिजिट वाला जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको पूरे को पेयर को लेना पड़ेगा अपन को एक साथ, जिससे कुछ कॉन्सेप्ट बन पाए, सिमिलरिटी बन पाए, एक जैसा बन पाए, तो 0.056 आ गया प्लस। अब इस बार हम इस 5 6 को हटा रहे हैं तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी, 0.00056। अब हम इस 5 6 को हटाएंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो आ जाएंगी, 5 0 5 6 so on up to infinite times। ये चीज आ गई कि नहीं समझ में, अगर किसी को डाउट हो तो बिल्कुल मुझे जरूर बताएं। अब देखिए यहाँ तो सिमिलरिटीज दिख रही है हमें, बट ये 0.3 में नहीं दिख रही, तो 0.3 को अलग रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको इस पार्ट से अलग ही रहने दो, इसको जो डिफरेंट है उसको अलग रहने दो। ये यहां से हमने पॉइंट हटाया कितना आएगा, 56 upon 1000, यहां से पॉइंट हटाया कितना आएगा, 56 upon 10 की पावर 5, इसको हम 10 की पावर 3 लिख देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 0.3 को बाहर रखा, यहां से 56 कॉमन आ रहा है ऊपर से, ये बन गई अपनी जीपी, 10 का पावर 3, 1 upon 10 की पावर 5, 1 upon 10 की पावर 7, सो ऑन, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। 0.3 प्लस 56, यहां पर ये हो गया a हो गया, इसमें यहां लिख दे रहे हैं a हो जाएगा 1 upon 10 का क्यूब, ओके। अब r कितना हो जाएगा, r होगा 1 upon 10 की पावर 5 upon 1 upon 10 की पावर 3, ये कैंसिल होगा, यहां 2 बचेगा, तो r आएगा 1 upon 100, ये r हो गया, ये a हो गया, s इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं हम, a upon 1 minus r, तो यहां पर हम क्या करेंगे, s इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, a upon 1 minus r, a है 1 upon 10 का क्यूब upon 1 minus r, r कितना है, 1 by 100, क्लियर है, ठीक है ना, तो ये आ गया 0.3 प्लस 56 इनटू 1 upon 1000, यहाँ 100 माइनस 1 होगा एलसीएम लेने पर, तो ये कितना बचेगा भाई, 99 बचेगा अपॉन 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, यहाँ से कितना बच रहा है, 0.3 प्लस 56 प्लस 56 इनटू, ये देखिएगा ये क्या होता है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 1 upon 990 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 upon 990। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे हम तो क्या होगा, 990 का इस 0.3 में मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 56 upon 990। अब देखिएगा
आगे देखिए, इसके आगे ना साइड रफ कर दे रहे हैं। यहां के बाद देखें इसमें क्या हो रहा है, यहां लिखा है 0.3, ये है 990 प्लस 56 अपॉन 990, यहां से पॉइंट हटा रहे हैं तो 10, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो, 99 का इंटू करना है अपन को 3 में, या 3 का इंटू 99 में, प्लस 56 करना है अपॉन 990 है, तो 99 इंटू 3 कितना होगा, 9 इंटू 3 27, 2 रिमेनिंग, फिर 27, 2 ऐड करेंगे तो 297, 297 बचेगा यहाँ पर, 297 प्लस 56 अपॉन 990, ये जो 297 है इसमें हम 56 ऐड कर लेंगे, ये हो गया 3, 1 रिमेनिंग, तो 10 और 5 15, 1 रिमेनिंग 3, तो ये कितना आ गया 353 अपॉन 990, तो ये आ गया आपका आंसर। आ गया कि नहीं समझ में, क्वेश्चन आ गया देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, हमें सम फाइंड करना है इनफाइनाइट टर्म्स का, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही टाइप है इनफाइनाइट सीरीज वाला। तो देखिए क्या सीरीज गिवन है, 1 माइनस 1 बाय 3, 1 बाय 3 का स्क्वायर, 1 बाय 3 का आगे सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा है ना, यहाँ क्या कर लेंगे हम क्यूब कर लेंगे, 3 का क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक। तो ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको, जीपी है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, कैसे पता हमें, ए यहाँ पर दिख रहा है 1 है, और कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है माइनस का 1/3 है, कॉमन रेशियो है माइनस का 1/3, दैट मींस अब ये समझ आ गया हमें जीपी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म में कॉमन रेशियो सिमिलर है, इक्वल है। अब हमें एस इनफाइनाइट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है एस इनफाइनाइट का, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू एस इनफाइनाइट, ए 1 और यहाँ आर है माइनस का 1/3, तो एस इनफाइनाइट यहाँ से आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/3, एस इनफाइनाइट 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, एस इनफाइनाइट आएगा 3 अपॉन 4, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये भी समझ लीजिए साथ साथ में, ये क्लियर है, इसका आंसर आ गया है 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा है ना, पढ़ लीजिए, बिल्कुल इसी के जैसा लग रहा है, इसके जैसा ही दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, दिख रहा है कि नहीं, देख लो है ना, इसमें क्या दे रखा है अपन को, ये एक प्रोग्रेशन दे रखी है और यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स की वैल्यू कब निकालनी है, जब दिस सम इज डिफाइंड, ये जो सम है ये डिफाइंड हो, इसका मान जो है वो वैलिड हो, तब हमें आपको यहाँ पर ये बताना है, परिभाषित हो, डिफाइंड मतलब हिंदी बोलेंगे इसको, परिभाषित हो तब हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। तो पहले हम पूरी की पूरी प्रोग्रेशन लिख लेते हैं, ये हमें जीपी है, ये तो समझ आ गया है, 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सोन, ठीक है, कैसे जीपी है, देखिए ये 2/x है, ये 2/x का होल स्क्वायर है, ये 2/x का होल क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस सोन। इसमें फर्स्ट टर्म तो है 1 एंड कॉमन रेशियो है 2/x, हर एक टर्म में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से इस पूरे का सम कितना आएगा, सम आएगा a अपॉन 1 माइनस r, तो यहां पर a तो कितना है 1 है, r क्या है, यहां r है 2 अपॉन x, तो s इनफाइनाइट आएगा x माइनस 2 अपॉन x, s इनफाइनाइट आएगा x अपॉन x माइनस 2, ये s इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई है, s इनफाइनाइट कितना आ गया है x अपॉन x माइनस 2। अब ये बोला गया है कि ये डिफाइन है, इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी, अच्छा ये नॉट डिफाइन कब हो सकता है, नॉट डिफाइन हो सकता है जब ये वैल्यू जीरो हो जाए, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए उसके लिए,
एस इनफाइनाइट जो है वो डिफाइन है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं डिनोमिनेटर कब जीरो हो जाएगा। x माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से क्या आएगा x डज नॉट टू, मतलब जो x है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है भाई, टू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है टू, क्योंकि अगर टू होगी x की वैल्यू तो s इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, s इनफाइनाइट यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में 2x की वैल्यू यहां पर नहीं होगी, क्लियर है कि नहीं। तो यार ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि x जो है वो डज नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, जरा दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, और क्या हो सकता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको लिखाया था जब s इनफाइनाइट बताया था a अपॉन 1 माइनस r, तो आपको बताया था कि s इनफाइनाइट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a upon 1 minus r, ये कब होता है जब r less than 1 है, and in case r जो है वो greater than 1 हो तो क्या हो जाएगा, ये infinite हो जाएगा, ठीक है। अभी x less not 2 तो किसी option में था ही नहीं, तो ये तो जो है वो tick करने का कोई मतलब बनेगा ही नहीं। अब हम ये वाले केस के लिए देख लेते हैं, not define होता है कब, जब r greater than 1 हो, but हमको define चाहिए, तो define होने के लिए क्या होगा, R less than 1 होना चाहिए। तो R तो हम निकाल ही चुके हैं, R की वैल्यू कितना आ गई है 2 by x, तो हम यहां लिख देंगे since for s infinite is defined R must be less than 1, R की वैल्यू रखते हैं 2 by x less than 1 2, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 less than x, means यहां क्या आ गया x greater than 2, तो ये चीज यहां पर आ गई है, x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी। दिस इज योर आंसर हियर, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन समझेंगे, तो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, समझ लो किस टाइप का है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, वो आप समझ लो। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट समेशन देख के डर जाते हैं कि पता नहीं क्या दे रखा है क्वेश्चन में, समेशन का साइन होता है ये, सम का साइन होता है, तो ये रफ कर दें, आ गया समझ में। चलिए बढ़िया ना, कौन सा ऑप्शन सही था उसमें, बी ऑप्शन सही था, ऑप्शन सेकंड सही था। अब आ गए हम यहां पर थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन को क्लियरली देखिए, समझिए क्या दे रखा है, समेशन r k इक्वल 1 से n, और यहां पर है k का q। समेशन का क्या मतलब है, समेशन का ये मतलब होता है कि हम k की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे कहां तक रख सकते हैं, हम n तक रख सकते हैं, और उन सभी टर्म्स का सम करना हमें, और वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम सबसे पहले इसका समेशन ओपन कर देते हैं, जिससे आप सीख भी जाएंगे ये समेशन को कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले 1 रखिए तो 1 का क्यूब आ जाएगा, फिर आप 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, तो इस तरीके से चलेगा, लास्ट में क्या आएगा n का क्यूब आएगा, ठीक है। अब ये चीज आ रही है यहां पर दिमाग में कि ये ap है कि gp है, ना तो मुझे ये ap लग रही है ना gp लग रही है। देखिए gp होने के लिए किसी एक जैसी टर्म का मल्टीप्लाई होना चाहिए था, जैसे अगर 2 का क्यूब है तो फिर 4 का क्यूब होता है ना, ऐसा कुछ होता तो हमको समझ आता कि gp है 1 है 2 है 2 स्क्वायर है 2 क्यूब है 2 की पावर 4 है 2 पावर, ऐसा कुछ होता तो हमें समझ आता gp है, बट यहां तो कोई gp नजर नहीं आ रही, ap भी नजर नहीं आ रही, कॉमन डिफरेंस यहां पर कुछ है ही नहीं। तो देखिए ये ना तो gp है ना ap है, ये है समेशन ऑफ n क्यूब, ठीक है। समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है भाई, समेशन ऑफ n क्यूब आपको बताया है क्या होता है, समेशन n भी बताया है, समेशन 1 भी बताया, समेशन 1 होता है n, समेशन 1 का मतलब है कि सम ऑफ 1 अप टू n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स यहां पर कितना 1 को सम किया गया है तो टोटल कितना आएगा n आएगा, अगर सम हम n को करेंगे तो आएगा n n plus 1 by 2, ये समेशन n का फार्मूला होता है, एंड समेशन n स्क्वायर का कितना होता है n n plus 1 2n plus 1 by 6,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर समेशन n स्क्वायर एंड समेशन n क्यूब कितना होगा, समेशन n क्यूब होता है n n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं समेशन n क्यूब इज इक्वल टू समेशन n का होल स्क्वायर। तो समेशन n का होल स्क्वायर होता है समेशन n क्यूब, मतलब यहां से हम इसे लिख सकते हैं समेशन n का होल स्क्वायर। अब n n कुछ नहीं है, यहां पर k है ना, तो समेशन k का होल स्क्वायर लिखिए। जब आप समेशन लगा ही रहे तो k की वैल्यू लिखिए, कहां से कहां तक है, k की वैल्यू है 1 से n तक। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां हमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सेकंड ऑप्शन यहां पर सही है, या गया आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जीपी एपी एचपी कहीं से नहीं है, समेशन वाले कांसेप्ट से है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म जीपी, जीपी के गुणधर्म, गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म है ये। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट रिमेंस अ जीपी विद द सेम सेम कॉमन रेशियो। इसका मतलब ये हुआ फॉर हिंदी मीडियम्स कि अगर किसी जीपी को सपोज दैट सम टर्म्स आर इन जीपी, अगर कुछ टर्म कुछ पद यहां पर जीपी में दे रखे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं, और हम उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं नॉन जीरो नंबर का, नहीं आप ऐसा बोलो कि सर जीरो का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या जीरो रहे जीपी रहेगी, तो आपको यहाँ पर नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करना है सभी टर्म्स में, या फिर डिवाइड करना है। तो दीज नंबर्स आर ऑल्सो इन दैट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, समझिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ की ए बी सी आर एन ए पी, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है ना आर एन ए पी, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें के से, नॉन जीरो नंबर से, तो ये भी क्या होगा, सॉरी ए पी नहीं है ना जीपी, तो ये भी क्या होगा आर एन जीपी रहेंगे। अगर हम इसमें के का मल्टीप्लाई करते तब भी क्या होता, ये जीपी में ही रहते। जरूरी नहीं है थ्री टर्म्स भी है, मोर देन थ्री टर्म्स भी हो, अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो जो टर्म्स रहेंगी, जो अपन को नई टर्म्स मिलेंगी वो क्या होंगी, जीपी में रहेंगी। आपने एपी में क्वेश्चंस देखे थे किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज की हेल्प कर लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अच्छे समझ लीजिए, जीपी की प्रॉपर्टीज एपी जैसी है बट थोड़ी सी अलग है। Property number second, the reciprocals of the terms of a given GP form a GP. मतलब अगर हम जो GP है गुणोत्तर श्रेणी के जो पद हैं, अगर हम उनका उल्टा भी लें तो भी वो क्या होता है GP में होती हैं। Suppose it समझिए example, if A B C are in GP, मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है कि three terms A B C are in GP. तो अगर आप A को 1 by A लिख लें, B को 1 by B and C को 1 by C, तो ये क्या होगा R also in GP, ये terms भी क्या होगा GP में होंगी। समझ पाए कि नहीं, समझ जाओ है ना, अगर आपको यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए। reciprocal निकाल रहे हैं, if three terms are in GP तो उनका reciprocal भी क्या होगा R also in GP। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ गए हम, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिखिए। थर्ड क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी राइज्ड टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो फॉर्म अ जीपी। समझ पाए कि नहीं, मीनिंग इसका मतलब ये है कि एग्जांपल देखिए, इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, ये थ्री नंबर्स जीपी है, जीपी में है, अगर उनकी सेम पावर उन पर जो है लगा दी जाए, सेम पावर लगा दी जाए, मींस आप बोले कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो तीनों पर हमने क्या किया, सेम पावर यहाँ पर लगा दी है, तो आर ऑल्सो इन जीपी, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये टर्म्स भी क्या होगा जीपी में रहेंगी, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ गए हम, फोर्थ वाली पर, थ्री नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर एन जी पी, इफ ये
स्क्वायर जीपी में है, दैट मींस आपको ये लेके चलना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। जब हमने एपी पढ़ा था तो एपी में रहता था टू बी बराबर ए प्लस सी। अगर ऐसा बोला जाए कि इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी तो इसका मतलब ये निकलता था कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पर जीपी में क्या मतलब निकलता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इस पर तो स्टार लगा लीजिए ना, मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट है, जब भी बात आएगी कि थ्री नंबर्स आर इन जीपी देन आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कर लेंगे। अब ये आया कहां से, अगर ये वाली बात कर रहे हैं आप तो समझिए ए बी सी आर इन जीपी, जीपी में है कि नहीं है। जीपी में होने का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो इक्वल है, कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर कैसे निकाल सकते हैं कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ऐसे ही निकालेंगे कि नहीं, ऐसे ही निकालते ना, ये वाली टर्म और उसकी जस्ट प्रीवियस टर्म, तो ये लेते हैं हम, तो दोनों कॉमन रेशियो इक्वल होंगे। यहां समझिएगा इसके आगे, सेकेंड टर्म कितनी है बी, फर्स्ट टर्म कितनी है ए, थर्ड टर्म कितनी है सी, सेकेंड टर्म कितनी है बी, तो यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जिस पर हमने स्टार लगवा दिए बहुत सारे ना, मोस्ट टाइम की है। अब यहां से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बी क्या आएगा, यहां से रूट के अंदर ए सी आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं कि ए सी की होल पावर 1/2 बी की वैल्यू रहेगी। तो ऑल क्लियर है कि नहीं आपको, तो बस ये याद रखना है इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर एन जी पी दैट मींस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब आगे प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ पर, इफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स then the new sequence formed also form a GP। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए आपने कुछ numbers लिए A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है, मान के चल रहे हैं ना, नहीं आप बोलोगे सर ये तो GP में कैसे नहीं है, मान ले रहे हैं R in GP, ये जो numbers हैं ये GP में है। अब इस property के according ये है कि अगर हम regular interval से अगर कुछ values लें, मीन्स हम यहाँ से एक छोड़ के एक वैल्यूज अगर लें तो वो भी क्या होगा, जीपी में होगी। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ आ जाए, इसको और थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, इस पे 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी नंबर आप फिफ्थ समझ लीजिए जिससे कि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमने बोला कि ए बी सी डी, ए बी सी डी F, G, H, R, N, G, P, ये जो numbers हैं ये GP में हैं। अगर हम regular interval से number लेंगे तो these numbers are also in GP। अगर हम first, third, fifth ऐसे odd numbers ले लें या फिर बीच के एक-एक number छोड़ रहे हैं A, C, E, G, तो ये numbers भी are also in GP, ये भी GP में होंगे। या फिर ऐसा बोले हम कि दो दो नंबर छोड़कर ले लेते हैं, ये दो छोड़ा सी को लिया, इन दो को छोड़ा एफ को लिया, इन दो को छोड़ेंगे जी एच आई को लेंगे, ठीक है ना, आई को लेंगे, तो यहां पर सी एफ आई आर ऑल्सो इन जीपी। अगर हम जीपी सीरीज हमें पता है तो उसके नंबर्स को एक पर्टिकुलर इंटरवल के गैप से नंबर्स सेलेक्ट किए जाएं तो दीज नंबर्स आर ऑल्सो इन जीपी। क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी, आगे ही समझ में, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। तो हमने नेक्स्ट और सिक्स्थ प्रॉपर्टी ली है, इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। समझ आया कि नहीं, समझिए प्रॉपर्टी एग्जांपल से समझिए, जैसे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव सो ऑन ए एन, ए एन के पहले क्या होगा ए एन माइनस वन, उसके पहले क्या होगा ए एन माइनस टू। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जो इक्विडिस्टेंस वाली टर्म है उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है एंड ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मीन्स यहां से देखिए ये स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म है कि नहीं है, सेकेंड, और लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सी है, ये है, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें। ओके, स्टार्टिंग से ये थर्ड टर्म है
और ये लास्ट से थर्ड टर्म है, मींस ए थ्री और ए एन माइनस टू का प्रोडक्ट करें। सिमिलरली स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है और यहाँ पर आएगी स्टार्टिंग से लास्ट से फोर्थ टर्म ए एन माइनस थ्री, तो ये इनके प्रोडक्ट सब इक्वल होंगे एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए वन इंटू ए एन के इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है कि क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नंबर्स हो गए। इफ मैं बोलूं आपको कि आर इन जी पी, ये आपको गिवन है यहाँ पर कि दीज नंबर्स आर इन जी पी, तो क्या होगा? स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से सेकंड, ये जो है b इंटू एच, और देखिए स्टार्टिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड, c इंटू